प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को सुप्रभात। और आज हम आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, जो अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में शीर्षक अध्याय 5 का शीर्षक त्रिलिंग प्रयोग आपको समझाया गया, बताया गया, जिसमें बताने का प्रयास किया गया कि कौन सी वस्तु में किस लिंग की होती है। तो हमने आपको इसमें बताया था कि लिंग तीन तरह के होते हैं संस्कृत में, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो भी शब्द जाना वो नपुंसक लिंग से संबंधित था, और वो नपुंसक लिंग भी किसमें था, तो पुरुष में लिखा हुआ था कि वो प्रथम पुरुष के बारे में था। प्रथम अर्थात यह वो जो अन्य लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं या अन्य पुरुष कहते हैं, ना उसमें मैं होता हूँ ना आप होते हैं, वो अन्य लोग होते हैं। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो पुरुष के बारे में जानता है। तो आइए अब जानते हैं इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है, जिसको अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं, मूल्यांकन कार्य, उसका प्रथम प्रश्न जो है उसमें आपके बुक में लिखा हुआ है बहुत सारे पद, पद यानी शब्दों को लिंगानुसार विभजित अर्थात विभाजित करिए। तो शब्द दिया हुआ है आपके किताब में, पहला शब्द है बालिका। बालिका अर्थात क्या होता है, लड़की या बालका, बालको बालका पुल्लिंग के लिए होता है, बालिका बालिका बालिका। तो बालिका कौन सा लिंग होगा, तो स्त्री है वो आएगा इस लिंग में। तो ये पद हमें मिल गया बालिका, इस लिंग में लिंग अनुसार पूछता था स्त्री लिंग हो गया। दूसरा है कपोतव, कपोतर अर्थात कबूतर। तो कबूतर किस में आएंगे, कबूतर में तो जान है लेकिन पुरुष नहीं है, पुरुष अर्थात स्त्री है ना पुरुष है, वो किस में आता है, जीव में आता है, नपुंसक लिंग में आ जाता है। क्यों आता है, तो हमने पुरुष के बारे में जाना, यह वह। तो कबूतर भी एक लिंग अगर देखा जाए तो पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कपोतव, ये पुल्लिंग में आ गया। उसी प्रकार अगला वस्त्रम, वस्त्रम अर्थात वस्त्र होते हैं, तो वस्त्र क्या है, पदार्थ है, वस्तु है, तो वो किस में आ जाएगा, नपुंसक लिंग में वस्त्रम। इसके बाद नयन, नयने अर्थात आंख में, तो आंख क्या है, तो आंख में भी तो जान है, तो वो किसके होते हैं, पुल्लिंग के भी होते हैं स्त्रीलिंग के भी होते हैं। तो जब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं तो उभय अर्थात दोनों अर्थात नपुंसक लिंग में। माले, माले अर्थात माला जो हम धारण करते हैं, तो माले बहुवचन हो गया, वो किस में है, पुल्लिंग है, स्त्री है, तो नपुंसक लिंग में आ गया माले। फलानी माने बहुत सारे फल, तो बहुत सारे फल क्या है, क्या वो स्त्री है क्या पुरुष है, नहीं है, तो आ जाएगा नपुंसक लिंग में, तो फलानी नपुंसक लिंग में। गजा, गज माने हाथी, हाथी क्या है, तो पुरुष से है अगर देखा जाए जान है, तो हाथी का हथनी होता है, तो हाथी आ जाएगा पुल्लिंग में। और संस्कृत में कहते हैं गजा। अजा, अजा माने बकरी, बकरी में भी तो जान है, बकरी क्या है, पुल्लिंग ही नहीं, बकरी का बकरा होता है, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा क्या, अजा। इसके अलावा देखिए शिष्य, शिष्य में स्त्री भी होती है पुरुष भी होते हैं, तो शिष्य शब्द क्या है, तो वो पुल्लिंग भी होते हैं स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन लिखे किसमें, तो डाउट हो जाता है क्योंकि शिष्य न पुरुष होते हैं न स्त्री, एक किसी वर्ग के होते नहीं है, शिष्य में स्त्री भी होती है पुरुष भी होते हैं, वो किसमें आ जाएंगे, उभय लिंग में, तो वो आ जाएगा शब्द शिष्य किसमें, नपुंसक लिंग में। संगणक, संगणक अर्थात कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, वस्तु है, तो वस्तु न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, तो किसमें आएगा, नपुंसक संगणक सॉरी ये आपका संगणक के। अगला शब्द है वाटिके, वाटिका अर्थात बागीचा उद्यान, तो बागीचा उद्यान भी वही नपुंसक
वाणी के, क्योंकि उसमें जान है नहीं, कोई स्थान है। वृक्ष वृक्ष माने पेड़, दो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या है, पेड़ भी उसी में आएगा। नीड़ानी, नीर मतलब होता है डालिया, तो डाली क्या है, तो पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, वो भी आ जाएगा किसमें, नीड़ानी नपुंसक लिंग में। नीर माने डालिया, जो लकड़ी होता है। शिक्षिका, तो शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, तो शिक्षिका सीधे सीधे आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, वो हो जाएगा शिक्षिका। अगला है सुकर, सुकर था तोता, तोता का पुल्लिंग होता है मैना, तो तोता भी इसमें आ जाएगा स्त्रीलिंग में सुकर। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न जो था पदों का यानी शब्दों को लिंग के अनुसार विभाजित करना था, तो आपकी किताब में इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, उसमें जो पद है उसी में उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो हमने अध्ययन किया था ज्यादातर नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में वस्त्र, नयन, माला, पल, शिष्य, संकरण, वाटिका, वृक्ष और निदान, ये समस्त नपुंसक लिंग में आते हैं। तो आइए अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें बताया गया है कि शब्दों को चुनकर उसके शब्दों के साथ मिलाना है या विकल्प चुनकर उसको उसी में आपको बताना है। चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसके लिए उचित है। तो प्रश्न संख्या दो, जिसमें लिखना है विकल्प, विकल्पों चित्वा माने चुनकर उत्तर, अर्थात उत्तर को लिखत, लिखत अर्थात लिखो। पहला है वृक्ष की दृश्य कैसा, अस्थि माने है, यानी पेड़ कैसा है। तो आपकी इस पाठ में वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया है, पहला क्या है, ऐसा वृक्ष सत्ति, ऐसा विशाल वृक्ष अस्ति, वृक्ष फलति फलानि च इच्छति। इसके बाद उदाहरण में आप देखेंगे कि मनोहर विशाल हमें मिल गया क्या, विशाल। तो दूसरा ऑप्शन जो है ख, वो आपको टिक कर देना है, या आपका जो लिखा हुआ है उसमें से आपको ख पर टिक कर देना है, या आपके लिखने की कई विधि है तो आप लिख देंगे विशाल। इसी प्रकार आपके दूसरे प्रश्न भी हैं, दूसरे में पूछा गया है शिक्षिका च पुत्र पाठयन्ति, शिक्षक और शिक्षिका पुत्र माने कहां पाठयन्ति माने पढ़ाते हैं, तो उसका जवाब होगा पाठशालायां अर्थात में। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, तीसरा उपवने के संति, उपवन में कौन है, बहुवचन है इसलिए अस्तिस्तः संति बनता है, संति है। तो आपने पढ़ा उपवन में कौन है, उपवन में बहुत सारे वृक्ष है, लता है, पादप है। चौथे में घ उदाहरण आपका दिया, घ जो विकल्प दिया वो है एते सर्वे, एते सर्वे अर्थात यहाँ पर सभी है, क्या क्या, तो पहला विकल्प वृक्ष भी है, लता भी है, पादप भी है। अब आते हैं आपके चौथे प्रश्न पर, चौथा प्रश्न पूछा गया है कि शशक पुत्र अस्ति, शशक माने खरगोश, पुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है। तो आपका उदाहरण सॉरी विकल्प दिया हुआ है वने उपवने वृक्षे शाखायाम, तो वो किसमें दिया हुआ है, वने। शशक कहाँ है, उपवन, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बने, जो आपका विकल्प ख है उसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपका पांचवा प्रश्न है पाठशालायां के पठन्ति, पाठशाला में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पठन्ति माने पढ़ते हैं, तो वहां कौन पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ते हैं नहीं, शिक्षिका पढ़ते हैं नहीं,
प्रशिक्षिका पढ़ते हैं, नहीं, तो घ क्या है, छात्रा, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, छात्रा, माने बहुत सारे छात्राएं। कपोता, कपोता अगला प्रश्न है, कपोता माने कबूतर गण कानि खादन्ति, क्या खाते हैं, तो अन्नानि फलानि भोजनानि सस्यानि। कपोत क्या खा रहे हैं आप इस पाठ में, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि खगे अन्नानि खादन्ति, किस क्या खाते हैं, अन्नानि, तो पहला उत्तर आंसर क्या है इसका, अन्नानि, अन्नानि अर्थात अन्नों को खाते हैं, अन्न अर्थात अनाजों को खाते हैं। अगला प्रश्न है आपका सातवां, और सातवें में पूछा है कि जना माने लोग मंदिरे, मंदिर में कान माने क्या, अर्पयन्ति, मंदिर में क्या अर्पित किया जाता है, तो सीधे सीधे उदाहरण विकल्प दिया है, वस्त्राणि वस्त्र नहीं, पुष्पाणि पुष्पों को, अन्नानि अन्न को, अर्थात उदाहरण विकल्प में आपको मिल गया पुष्पाणि, पुष्पाणि आपका हो गया ये सही आंसर। तो इस तरह से आपका जो दूसरा प्रश्न था विकल्प चुनकर लिखना है, विकल्प आपका चार पुस्तक में दिया हुआ है, उसमें से आपको सही विकल्प पर टिक करना है, और टिक करने के लिए मैंने आपको सिंबल बताया है ऐसे करना है उसके आगे, नहीं तो लिखा ही है बस वैसे लिख देना। तो इस विकल्प को, विकल्प वाले प्रश्न को कई तरीके से करते हैं, तो आपके पुस्तक में इस तरह लिखा हुआ है, तो इसके चार विकल्प आप लिखेंगे, चार विकल्प लिखने के बाद जो जो आंसर सही है उस पे आप उसके सामने इसी तरह से टिक कर देंगे। अब आते हैं आपके तीसरे प्रश्न पर, तो तीसरा प्रश्न पूछता है कि पूर्ण वाक्य में आप इसका उत्तर लिखें, तो आपके चैप्टर में ही सारा प्रश्न है, सारा ही उत्तर भी दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं आसानी से। तो प्रश्न संख्या तीन क्या है, पूर्ण वाक्य उत्तरत, उत्तरत माने उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या है, लिखा है क फलानि कौन फलों को यच्छति, इच्छा करता है, उत्पन्न करता है, इसका उत्तर आपको ऐसे लिखा हुआ खाली स्पेस है उसमें उत्तर आपको लिखना है कि क, तो यहाँ क की जगह पर सवाल होगा वृक्ष, वृक्ष फलानि यच्छति, ये हो गया आपका प्रश्न। और इसी तरह से हमने प्रश्न भी दिया जिसका हम उत्तर आपको लिख दे रहे हैं, और आप उसी तरह पूर्ण वाक्य में जो पूछ रहा है जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर उसका उत्तर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी समझ के लिए मैं बता दूं फिर से कि अर्थात कौन लोग, पाठ्यन्ति कौन से लोग पढ़ते हैं, तो आपका अंतिम उदाहरण दिया हुआ है कि छात्रा, नहीं सॉरी, कौन लोग पढ़ाते हैं वो हो जाएगा आपका शिक्षिका, छात्रों को उनके अध्यापिका पढ़ाते हैं, जो कि आपका उत्तर आपको मिलेगा आपके इस पाठ पांचवे वाले उदाहरण में आपको मिलेगा कि छात्राओं को टीचर उनके पढ़ाते हैं। तो और दूसरे उदाहरण में भी दिया है अत्र शिक्षिका शिक्षिका च पाठयन्ति, शिक्षिका के बाद औब्लिक करके शिक्षक भी आप लिख सकते हैं, चाहे शिक्षक पहले लिखिए या शिक्षिका बाद में पहले। तो इसी तरह से आपके जो प्रश्न है आपका पहला दूसरा मैंने आपको लिख के बता दिया, अब इसके अलावा जो भी प्रश्न है आपको अपने अपने सुविधा अनुसार लिख लेंगे, आपकी किताब में उसका आंसर दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं अन्य तीन
वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी अभ्यास कार्य को समझते हुए करिए।